हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी और लुसेंट का छाटा हुआ यानी कि महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका वन लाइनियर क्वेश्चन, जो कि बिहार पुलिस के लिए मैराथन रहेगा। और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसके आगे भी पार्ट आएगा, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ये हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एस बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था। एस बोस को यानी कि सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। गुरुदेव की उपाधि दिए थे महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को और कहेगा गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी। उत्तर वैदिक काल का समाज का विभाजन का प्रकार क्या था। उत्तर वैदिक काल का समाज का विभाजन का प्रकार कहेगा कि क्या था, तो वर्ण व्यवस्था था। आगे हो जाएगा लाल कुर्ती दल का स्थापना किसने किया। लाल कुर्ती दल का स्थापना किसने किया था, खान अब्दुल गफार खान ने। किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध का रामायण कहते हैं। किस बौद्ध ग्रंथों को बौद्ध का रामायण कहते हैं, बुद्ध चरित को। और बुद्ध चरित की रचना कहेगा किसने किया था, अश्वे घोष ने किया था। आगे हो जाएगा अनेक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनेक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कहेगा तो इथाइल अल्कोहल होता है। आगे है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का कौन था, यानी कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना कौन था, आयरकूट था। और वही कह दिया कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। आगे हो जाएगा विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, वह पहला शासक था हरिहर द्वितीय ने। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है जैन एवं हिंदू धर्म से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो का मंदिर कहेगा किसने बनाया था, चंदेल शासक, चंदेल वंश के संस्थापक हो जाएंगे ननूक। चारगाहों का स्वर्ग किस देश को कहते हैं। चारगाहों का स्वर्ग कहते हैं न्यूजीलैंड को। नाना साहब के नाम से किसे जानते हैं। नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। गति के दूसरे समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति के दूसरे समीकरण स्थान और समय के बीच संबंध दर्शाता है। किसने शेरशाह को धूल से खिला हुआ फूल कहा। किसने शेरशाह को धूल से खिला हुआ फूल कहा, कानू नगो ने शेरशाह को धूल में खिला हुआ फूल कहा। और शेरशाह के कहेगा मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। आगे देखते हैं, शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा गया था, अशोक को। बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। आगे हो जाएगा अंकुरवांट का मंदिर किसने बनवाया था। अंकुरवांट के मंदिर बनवाए थे सूर्यवरुण द्वितीय ने। और अंकुरवांट के मंदिर विष्णु देवता के लिए समर्पित है। जहाज महल कहेगा कहाँ स्थित है। जहाज महल स्थित है मांडू में। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहते हैं कानपुर को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा हनुमान नगर बैराज कहाँ स्थित है। हनुमान नगर बैराज स्थित है कोसी नदी पे नेपाल में। हनुमान नगर बैराज हो जाएगा कोसी नदी नेपाल। और बिहार का शोक कोसी नदी को ही कहते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3 2H2O। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे हो जाएगा किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का। प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था, मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस को मीथेन कहते हैं। आगे हो जाएगा
बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था 1958 में। सूर्य सिद्धांति का किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? आर्यभट्ट द्वारा। आर्यभट्ट जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किए थे सूर्य सेन ने, और डेट कहेगा तो 1930 में। नाभिकीय रिएक्टर में ठंडा रखने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में ठंडा रखने के लिए हीलियम तत्व का प्रयोग किया जाता है, और हीलियम की खोज कहेगा तो लोकियर किए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का शपथ ग्रहण है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का शपथ ग्रहण है? तो अनुच्छेद 159 हो जाएगा। वही कहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155 के तहत। और भारत का एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में है? 153 में। भारत का एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 में है, और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। वही कहेगा कि राज्यपाल का शपथ था 159 में। आगे देखेंगे, यूपीएससी का गठन एवं प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में हो जाएगा। राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ? राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ था 1969 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को किस स्टेशन पर फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को पीटर माइट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। नील दर्पण पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? नील दर्पण पुस्तक प्रकाशित हुआ था 1859 में, और इसका लेखक थे दीनबंधु मित्र। अशोक के किस शिलालेख तीर्थ यात्रा का उल्लेख है? अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख है? शिलालेख 7 और 8 में। बिंदुसार किस धर्म को मानते थे? बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे, और आजीवक धर्म के प्रवर्तक थे मखली घोषाल। मौर्य शासन कितने वर्ष तक चला? मौर्य शासन जो था 137 वर्ष तक चला था, और मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। वीडियो का क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है, और वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के देखिए, आपको अच्छा दिखाई देगा। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा, आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने पहली बार छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तंतुमय जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तंतुमय जीवाणु कहेगा तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। किसे पौंड सिल्क कहते हैं? किसे पौंड सिल्क कहते हैं? स्पाइरोगाइरा का पौंड सिल्क कहते हैं। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? कल्प सूत्र के रचयिता थे भद्रबाहु। सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया, उसी की तरह चला भी गया, किसका कथन है? स्मित का। सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया, उसी की तरह चला भी गया, यह किसका कथन है? स्मित का। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था? जस्टिन ने। आगे देखेंगे, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कहेगा तो विष्णुगुप्त हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन एवं रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की सिफारिश किसने की थी? बंगाल का विभाजन रद्द करने तथा दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने के की सिफारिश किसने की थी? अरुणडेल कमेटी ने। किसने की थी? तो अरुणडेल कमेटी ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन बनी? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कहेगा तो अलका उपाध्याय हैं, और वर्तमान में कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार। पानीपत का द्वितीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम कौन था? इब्राहिम का गर्दी। पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान कहेगा तो इब्राहिम का गर्दी था, और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में,
और ये किसके किन के बीच में हुआ था, अफगान और मराठा के बीच में। पानीपत के पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा हुआ था 1761 में। आगे देखेंगे अगस्त घोषणा हुआ था 1917 में और अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। अगस्त घोषणा हुआ था 1917, अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया, लॉर्ड कर्जन को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर संविधानवादी समझे जाते थे, सत्यमूर्ति और के मुंशी। किसने कहा हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू ने, और कहेगा डेट कब, तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, मोतीलाल नेहरू 1928। दक्षिण की रानी किसे कहते हैं, दक्षिण की रानी कहते हैं पुणे शहर को। दांडी मार्च यात्रा कितने दिन में समाप्त हुई थी, दांडी मार्च यात्रा जो थी 24 दिन में समाप्त हुई थी, और इसमें 78 अनुयायी के साथ महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। अगला हो जाएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान में फहराया गया था, कोलकाता में, और संविधान सभा द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आरबीआई का मुख्यालय कब कलकत्ता से मुंबई किया गया, आरबीआई का मुख्यालय कब कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया, 1937 में स्थापित किया गया था। और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कहेगा तो सीडी देशमुख हो जाएगा, और आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे ओसबर्न स्मिथ, और प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो केजी उदेशी, वही भारतीय गवर्नर पूछ देगा तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया, कलर ने। डिकन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अग्लुहास धारा किस महासागर में बहती है, अग्लुहास धारा कहेगा तो हिंद महासागर बहती है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। डिकन एजुकेशन सोसाइटी के हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है ममता बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ममता बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कहेगा तो जयंत घोषाल हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सौर्य गठबंधन का मुख्यालय कहेगा तो गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। स्थापना हुआ था 2015 में और 121 सदस्य हो जाएंगे अमेरिका। मोपला विद्रोह का नेता कौन था, मोपला विद्रोह के नेता हो जाएंगे अली मुसलियार, और मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, मेजर बारो को हराया था, और वही कहेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कहेगा तो सिद्धू और कानू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोल विद्रोह के नेता कौन थे, कोल विद्रोह के नेता कहेगा तो बुधू भगत हो जाएंगे। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, और इसका क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है, ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम हो जाएगा हंटर। दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में होना चाहिए, दांतों को क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या होना चाहिए, फ्लोराइड। लाला लाजपत राय को राजनीतिक गुरु कौन थे, लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कहेगा कौन थे तो मेजनी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है तीनों सूची के विषय देखते हैं, तीनों सूची में कितने कितने विषय हैं। संघ सूची में कहेगा तो 100 विषय हो जाएगा, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला क्वेश्चन है द व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राम मनोहर लोहिया। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा महासागर कहेगा तो प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा भी कहेगा तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, सबसे छोटा महासागर कहेगा तो आर्कटिक महासागर होता है।
आगे देख लेंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहेगा तो 1916 में हुआ था। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। कामेत पर्वत कहाँ स्थित है? कामेत पर्वत हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। कामेत पर्वत कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1756 मीटर। मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन से स्रावित होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग स्रावित होते हैं रिलैक्सिन हार्मोन से। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? हाल ही में रामानुजम पुरस्कार दिया गया था, अभी हाल ही में दिया गया 2022 के लिए, यूकिंग तांग को, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। अभी किन को दिया गया है? यूकिंग तांग को, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, और इससे पहले दिया गया था नीना गुप्ता को। और रामानुजन पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलते हुए विद्युत बल्ब तंतु का तापमान कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब तंतु का तापमान होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच प्रतिरोध होता है। मानव शरीर में शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? जब शरीर शुष्क होगा तब विद्युत प्रतिरोध होगा 10^6 ओम, और जब शरीर गीला रहेगा तब कहेगा प्रतिरोध कितना होगा तो 10^3 ओम। किसी चालक तार के प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी चालक तार के प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अति चालक का प्रतिरोध होता है, अति चालक का प्रतिरोध होता है शून्य, लगभग शून्य होता है, अति चालक का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? शून्य ताप पर अधिकतम होती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीव भार का पिरामिड किस परिस्थितिकी में उल्टा होता है? जीव भार का जो पिरामिड है जलीय परितंत्र में उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? इसमें हो जाएगा आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ से रिकॉर्ड किए जाते हैं? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, और पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रीय गान गाया गया था 1911 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। अगला क्वेश्चन है, नालायरम काव्य संग्रह से क्या था? नालायरम काव्य संग्रह में क्या था? 12 अलवर का उल्लेख था, और ये संत थे, और 12 अलवर जो संत थे विष्णु देवता को मानते थे। नालायरम काव्य संग्रह में क्या था? तो 12 अलवर संत का उल्लेख था जो कि विष्णु को मानते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार हेरोल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेरोल्ड के संपादक कहेगा तो गुरु प्रसाद सेन हो जाएंगे। बिहार टाइम्स का संपादक कौन थे? बिहार टाइम्स के संपादक हो जाएंगे महेश नारायण। बिहार हेरोल्ड के कहेगा तो गुरु प्रसाद सेन, और बिहार टाइम्स के कहेगा तो महेश नारायण। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था? 1906 में। कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टोजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, और कार्टोजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था 2000 ईस्वी में और लागू किया गया था 2003 ईस्वी में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रयासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रयासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और राष्ट्रीय प्रयासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे,
और गए थे 1893 में, लौटे थे 9 जनवरी 1915 में। उसी के उपलक्ष में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो 18 दिसंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था 1995 में। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। डोनावास कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? डोनावास कोयला क्षेत्र कहेगा तो यूक्रेन में स्थित है, और यूक्रेन की राजधानी हो जाएगा कीव। अल्फा 20 किस में बनते हैं? अल्फा 20 बनते हैं कवक से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कार्बन का मात्रा सबसे अधिक होता है, कार्बन का मात्रा सबसे अधिक किस लोहा में होता है? ढालवा लोहा में। वही कोयला में पूछ देगा तो कार्बन का मात्रा सबसे अधिक होता है एंथ्रासाइट में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 126 के तहत। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड डियोप, और ये फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? इसमें हो जाएगा असम। किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो असम। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। भारी जल के खोज किए थे यूरे ने 1932 में। अगला क्वेश्चन है, जारगोस पर्वत कहाँ स्थित है? जारगोस पर्वत स्थित है ईरान में। किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है? बिहार राज्य को। दहला बांध किस देश में स्थित है? दहला बांध अफगानिस्तान में स्थित है, और इसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को, और विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। रंगीत नदी किस राज्य में बहती है? रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। अब तक कितने बार लोकसभा भंग किया गया है? 8 बार। अब तक 8 बार लोकसभा भंग कर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विवाह पद्धति लवण का प्रचलन किसने किया? विवाह पद्धति लवण का प्रचलन किए थे गुरु रामदास, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण के लिए अकबर ने गुरु रामदास को जमीन दान दी थी। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मोहन कृष्ण बोहरा। तस्लीमा नसीन ने लज्जा पुस्तक लिखी थी, और तस्लीमा नसीन जो थी बांग्लादेश की थी। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष केवल पूछ देगा तो इसमें हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है? घाटे का वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है बजट घाटे की तरह। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रोटीन है, और वही कहेगा कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चांद बीबी का संबंध किस राज्य से है? अहमदनगर से। चांद बीबी का संबंध कहेगा तो अहमदनगर से है। एशिया का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संपादक या संस्थापक कौन थे? स्वामी विद्यानंद। स्वामी सहजानंद ने
स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किए थे 1936 में लखनऊ में। किसान समाचार के संपादक हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद, और स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किए थे लखनऊ में 1936 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला समाचार पत्र था बिहार बंधु। बिहार का पहला समाचार पत्र हो जाएगा बिहार बंधु। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है ग्रेफाइट का। राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। भारत के किस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुई? भारत के प्लासी का युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुई? प्लासी का युद्ध में हुआ था, जो कि 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज का नेतृत्व किए थे रॉबर्ट क्लाइव। और वही कह दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना पूर्ण रूप से किस युद्ध में हुआ? तो बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में हुआ था, और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व किए थे हेक्टर मुनरो ने। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में है? क्वेश्चन में कह रहा है कि संगम साहित्य में किस राजवंशों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हो जाएगा चेर, चोल और पांडव। चेर, चोल और पांडव। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। पुरापाषाण काल में मानव का मनोरंजन के साधन थे? पुरापाषाण काल में मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। और पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार किया गया था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? यानी कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दशराज युद्ध का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के सातवां मंडल में। और दशराज युद्ध हुआ था परुश्री नदी में। दशराज का युद्ध हुआ था परुश्री नदी के तट पे, और परुश्री नदी का वर्तमान नाम कहेगा तो रावी हो जाएगा। वैदिक समाज कितने वर्ण में विभक्त था? वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त है? यथा 4 वर्णों में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी 1/6। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लाभ के पद का निर्णय करेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? मुर्शिद कुली खा। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष के नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का नीति कब अपनाया? 1858 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए थे 1858 में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और आभासी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कुछ सुझाव देना हो या सलाह देना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन थोड़ा छोटा छोटा है, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और इसका सीरीज आगे चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।